नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द भारत टॉक्स पे। आपने काफ़ी सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसके अंदर कुछ पुलिस वाले हैं, कोई रिश्वत ले रहा है, कोई जबरदस्ती चालान कर रहे हैं। काफ़ी सारे ऐसे वीडियो जो यहाँ पे पुलिस वालों की छवि है वो ख़राब करते हैं। लेकिन मैं आज आपको ऐसे यहाँ पे वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसके अंदर कलेक्टर साहब किस तरह से एक यहाँ पे गाड़ी वाले को जो यहाँ पे तरबूज भरने जा रहा है उसको यहाँ पे बचाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो पुलिस वाला उससे पैसे खाने की कोशिश करता रहता है, उसको परेशान करता है, उसको भी तुरंत सस्पेंड करवा देते हैं। ये देखिए पूरा वीडियो। हेलो, नमस्ते सर। वो विदिशा मंडी से सर, मैं बोरा तरबूज भरने जा रहा था। तो सर, ये अपनी गाड़ी चेक पोस्ट पर गाड़ी रोक लिए, जाने नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं बात कराओ फिर साहब से। कौन चेक पोस्ट पर रोक लिया है, कहाँ पे? जी सर, गाड़ी पे, गाड़ी गैरतगंज, गाड़ी गैरतगंज सर। अपनी बात कराओ। जी सर, जी जी। हेलो सर, प्रणाम सर। कलेक्टर विदिशा बोल रहा हूँ। जी जी सर, प्रणाम सर। उनको क्यों रोका है भाई? सर ये क्या है कि बॉर्डर पे है सर, ये अपना बैरिकेड्स वगैरह लगा है। नहीं नहीं, तो मालवाहक वाहनों को क्या बॉर्डर पे रोकने के आदेश हैं आपके एसपी साहब से? ये पता नहीं सर, बोले वही कि आप पुलिस में हैं, आपको पता नहीं, तो कैसी बातें कर रहे हैं आप? सर ये था कि वो आपसे क्या मैं ये बातें सुनना पसंद करूंगा कि आपको पता नहीं है? पता तो है सर। तो पता है तो मालवाहक वाहन तो रोकने नहीं है, चाहे खाली हो या भरे हो, ये तो पता होगा आपको। चलिए सर, छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं छोड़, आप नाम बताइए जरा अपना मेरे को। सर मैं प्रधान आरक्षक राम ने बोल रहा हूँ। सिमा एक मिनट, एसपी विदिशा बात करें। विनायक वर्मा जी, ठीक साहब, आप सस्पेंड किए जा रहे हैं अभी इसी वक्त से। कानून ना पता होना ऐसी परिस्थिति में बिल्कुल ही जायज नहीं है, बहुत शर्म की बात है। तरह से पीएम साहब के साथ सर, सर ऐसा है सर, वो अखबार मत करो, जाके वर्दी टांगो अपनी थाने में, आपको मैं सस्पेंड कर रहा हूँ तत्काल प्रभाव से। तो ये है पुलिस अधीक्षक किस तरह से यहाँ पे हेड कांस्टेबल को यहाँ पे कलेक्टर के कहने पे तुरंत यहाँ पे तत्काल प्रभाव से यहाँ पे सस्पेंड करते हैं, और ये भी कहते हैं जाकर अपनी वर्दी टांगो थाने के अंदर। तो ये देखिए, ये है कलेक्टर का पावर। अगर अपनी वर्दी का सही इस्तेमाल करें तो काफ़ी हम यहाँ पे सहयोग जनता को कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पुलिस वाले भी होते हैं जो यहाँ पे उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। खैर, आपका क्या कहना है यहाँ पे कलेक्टर विदिशा के बारे में, नीचे आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के निशान को दबा दें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।